Assalamu alaikum dear students of class 11th. Today we will complete the short story The Price of Flowers, the last part of this lesson. Today we will complete this lesson. Now listen my dear students on page number 129. Maggie brought me the ring. Maggie ne ring lai meri taraf. I took it and said, मैंने ये रिंग ली. आथर कहता है, मतलब कौन कहता है, ये जो आदमी उनके घर जाता है, ये इंडियन आदमी होता है, ये जो घर इनके जाता है. अच्छा, see if your mother is awake. पहले देखो आपकी माँ होशियार है, वो जागी हुई है या नहीं. She said, उसने कहा, I have told her you are here. मैंने अपनी माँ से कहा कि यहाँ पे वो इंडियन आया है, गुप्ता यहाँ पे आया है. May I see her now? गुप्ता कहता है इसे, क्या मैं उसको देख सकता हूँ. Please come. हाँ आ जाओ. I approached the mother's beside. मैं माँ के सिरहाने बगल में बैठ गया. The ring was in my hand. ये जो रिंग थी ये मेरे हाथ में थी. Miss Califord, your son is alive. He is well, I said. मैंने गुप्ता कहता है इसे, मैंने कहा उसे, Miss Califord, आपका बेटा जिंदा है और वो बहुत अच्छे तरीके से है, वो बिल्कुल ठीक है. Yes, Miss Clifford. अच्छा, did you see that in the crystal? She asked. उसने कहा, क्या आपने क्रिस्टल में देखा, उस अंगूठी के क्रिस्टल में आपने देखा, हमारा जो फ्रैंक है वो जिंदा है. Yes, Miss Clifford. हाँ मिस्टर कैलिफोर्ड, I answered without any hesitation. मैंने अपने अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं लाई, बिल्कुल कहा, हाँ मैंने देखा वो जिंदा है. I have seen it. मैंने देखा. Her head dropped back. उसका सर फिर पीछे झुक गया. Tears of happiness welled from her eyes. उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ गए. She whispered faintly. उसने धीमे से कानाफूसी कर दी अपने अंदर. God bless you, God bless you. खुदा आपको अच्छा करे, खुदा आपको अच्छा करे. Miss Califord recovered. अब वो ठीक हो गई. It was almost time for me to return in India. गुप्ता कहता है, अब लगभग वक्त आ चुका था, मुझे अब वापस कहाँ जाना था, इंडिया. आई विश टू गो टू लम्बाथ टू से गुड बाई टू मैगी एंड हर मदर. मैं यही चाहता था कि मैं अब वापस लम्बाथ चला जाऊँगा और उन घर वालों को, माँ को और उसकी बेटी को मैं अलविदा कहूँ वहाँ पे. बट द फैमिली वॉज इन मॉर्निंग. लेकिन वो जो फैमिली थी वो मातम में थी. फ्रैंक हैड बीन किल्ड इन द फाइटिंग ऑन द फ्रंटियर. फ्रैंक मारा जा चुका था फ्रंटियर की जंग में. A month before, एक महीने पहले. Maggie had sent me a card. मैगी ने मुझे एक कार्ड भेजा with a black border, जिसका मार्जिन ब्लैक कलर का था. I calculated from the date. मैंने डेट से कैलकुलेट किया and found that Frank had been dead some days when I told his mother he was alive and well. मुझे उस डेट से पता चला कि फ्रैंक कई दिन, मतलब जब मैंने कहा उसकी माँ से कि फ्रैंक जिंदा है, उससे पहले ही वो मर चुका था. I felt ashamed to face Miss Califord. मैं बहुत परेशान था, मैं शर्मिंदा हो रहा था, मैं उसको चेहरा कैसे दिखाऊंगा. So I wrote a letter to them. मैंने चिट्ठी लिखी, announcing my departure. मैंने लिखा कि मैं यहाँ से अब निकलने वाला हूँ, and bidding them goodbye. उनको अलविदा किया. The morning of my last day in London dawned. जो ही लास्ट डे जो मुझे लंदन में था, जो ही आफ्ताब सुबह तुल्लू हो गई. I was to leave that night. मुझे उस नाइट लीव करना था लंदन. As I was having my breakfast with the family, जो ही मैं अपने उस फैमिली से ब्रेकफास्ट कर रहा था लंदन में, there was a knock at the door. दरवाजे पे खटखटाहट हुई. A minute or two later, एक या दो मिनट के बाद, the maid came. नौकरानी वहाँ आ गई. In and announced, वो अंदर आ गई और उसने अनाउंस कर दिया, Please Mr. Gupta, Miss Califord has come to see you. Miss Califord आपको देखने आई है. Maggie had come to say goodbye. Maggie भी goodbye कहने आई थी. Least she should be late for work. ऐसा न हो कि फिर उसे काम पे देर हो जाए. She was standing in the hall. वो हॉल में बैठी. She was wearing black. उसने ब्लैक कपड़े पहने थे. I took her into the adjoining library. मैंने उसको एक लाइब्रेरी में लिया जो उसके पास में ही थी. And made her sit down. उसे कहा कि आप नीचे बैठो. Are you leaving today? क्या आज आप जा रही हो? She asked. उसने कहा. क्या आप आज जा रहे हो? शी आस्कड. उसने कहा. यस मैगी. हाँ मैगी. हाउ लॉन्ग विल इट टेक यू टू रीच यूर कंट्री? मैगी ने उसे पूछा, आपको अपनी कंट्री पहुंचने में कितना समय, कितना वक्त लगेगा? ए लिटिल मोर देन टू वीक्स. दो हफ्तों से कम. इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री डू यू लिव? मैंने उसे कहा, आप किस कंट्री के पार्ट में रहते हो? इज द फ्रंटियर वेरी फार फ्रॉम देयर? क्या फ्रंटियर आपके गाँव से, आपके कंट्री से, आपके स्टेट से ज़्यादा दूर तो नहीं है? नॉट वेरी. ज़्यादा दूर नहीं. Frank is buried in Fort Monory near
डेरा गाजी खान। तो ये जो उसकी बहन है मैगी, यही से बताती है कि मेरा भाई जो है वो डेरा गाजी खान में दफन है। द गर्ल्स आइज फिल्ड विद टीयर्स एंड शी स्पोक, उसकी आंखों में आंसू आ गई और वो कही, When I go to the part of the country, I shall visit your brother's grave and write to you. जो ही मैं उस कंट्री की ओर जाऊंगा, फ्रंटियर की तरफ जाऊंगा, उस मतलब कस्बे की ओर जाऊंगा, ज़रूर मैं आपके भाई की विजिट करूंगा और आपको ज़रूर लिखूंगा। Won't it be troublesome for you? क्या आपके लिए मुश्किलात नहीं होगी, मुसीबत नहीं होगी? और इनकन्वीनियंट मीन्स दुश्वारियाँ, क्या आपको ये तकलीफ नहीं होगी? मैगी आस्क्ड, मैगी ने कहा, वहाँ जाना आपको मुसीबत या दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। Why? क्यों? Should it be? डेरा गाजी खान इज़ नॉट वेरी फार फ्राम वायर आई शल बी। डेरा गाजी खान ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ। इट विल सर्टनली बी पॉसिबल, मेरे लिए मुमकिन बात है, फार मी टू गो देयर समडे, ये लिए मेरे लिए मुमकिन की बात है, मैं वहाँ जाऊँगा एक ना एक दिन। आई विल राइट एंड टेल यू अबाउट इट, मैं आपको उसके बारे में लिखूँगा कि मैंने आपके भाई की कब्र विजिट कर ली। मैगीज़ फेस फिल्ड विद ग्रैटिट्यूड, उसका जो फेस चेहरा था वो अब शुक्रगुजारी से भर गया। As she thanked me, वो मुझे शुक्रिया अदा करना चाहती थी। हर वॉइस चौकड़, उसकी जो आवाज़ थी वो बेघर हो गई, मतलब वो चौक हो गई, वो बंद सी हो गई। She took a shilling out of the pocket, उसने अपने जेब से एक शिलिंग निकाली, शिलिंग इज करेंसी, वो करेंसी इसने निकाली, of her pocket and put it down on the table, और टेबल पर रखी, in front of me, मेरे नज़दीक, मेरे सामने शिलिंग रखी, एक पैसा रखा, एक रुपये रखी, saying, please buy flowers with this, इनसे आप फूल खरीदना, when you go, जब आप चले जाओगे, and lay them on my brother's grave for me, अंग्रेज़ लोग क्या करते हैं, वो कब्र पे फूल रखते हैं, इसे कहते हैं आप इस शिलिंग ले जाओ, आप करेंसी ले जाओ और इनसे फूल खरीदना, जो ही आप मेरे भाई की कब्र विजिट करोगे तो ये फूल उसके कब्र पे रखना। Overwhelmed, मैं जज्बाती हो गया, I lowered my eyes, मैंने अपनी आँखें नीचे कर दी। The child had earned this shilling, इस बच्ची ने बेचारी ने ये पैसा कमाया है, with so much toil, काफ़ी मशक्क़त से इसने ये पैसा कमाया है। I felt like returning it to her, मैं चाहता था कि मैं इसे शिलिंग वापस कर दूँ। Explaining that in our country flowers grow in great profusion, मैंने उसे ये कहा कि हमारे जो कंट्री है वहाँ लातेदार फूल उगते हैं, वहाँ पे लार्ज नंबर्स पे वहाँ पे फूल होते हैं, आप मुझे शिलिंग मत दो, वहाँ लातेदार फूल होते हैं। But I reconsidered, लेकिन मैंने दोबारा गौर किया, दोबारा सोचा, क्या Why I should deprive her, मैं इसे महरूम क्यों करूँगा आप द जॉय, इस खुशी से, ये खुशी खुशी मुझे शिलिंग दे रही है, मुझे ये लेनी चाहिए क्योंकि इसमें खुशी है, इसको जॉय दिस सेक्रीफाइस वुड गिव हर, ये जो कुर्बानी दे रही है एक शिलिंग के लिए, ये उसको देना ही है क्योंकि उसका दिल खुश होगा, ये खुशी से करती है ये। ऑल दैट दिस शिलिंग कुड हैव गिवन हर, मैं इसे ये वापस देना चाहता हूँ, शी वॉज फॉर गोइंग फॉर द लव ऑफ ब्रदर, लेकिन ये भाई के लिए करती, अपने भाई की मोहब्बत के लिए मुझे शिलिंग दे रही है, अब मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। द जॉय ऑफ डूइंग इट वॉज प्राइसलेस, ये करना, एक शिलिंग देना, ये प्राइसलेस था, इसका कीमत बिल्कुल भी नहीं था अपने भाई की मोहब्बत के लिए। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स, दिस लेसन हैज़ बिन कम्प्लीटेड। Now, tomorrow we will go on next lesson. Thank you.